जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़ा नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। सो अज टाइम हो रहा 1:57 ते 25 जून देख सकते हो तुसी। सो मैं हाँ इस टाइम बिशकेक दे विच, सेम AR होस्टल दे विच। काफ़ी वधिया यार ये होस्टल, मैं पहला भी पिछली वीडियोज़ दे विच दस्या जिदा। सो इत्थे तुसी रुक सकते हो, एक कोठी आ पूरी, तो उन्होंने बाहर धनिया धुनिया हर 2-3 चीज़ा लाइया हुई हैं, उतों ही तोड़ो तो किचन च बनाओ। तो अज मैं होस्टल के बिल्कुल कल्ला, जेडे दो भाजी सके पाकिस्तान तो उन्होंने फैमिली आ गई सी, वो चले गए। इंग्लिश की परिमाइस इंग्लिश नियत रूसकी रूसकी निबशोल रूसकी आते नवदीप यार थवंत टैलेंट दर्दोए मार्केट यू नो दर्दोए मार्केट यू नो यस एशियास बिगेस्ट मार्केट चुई चुई गूगल ना तो सम्राट होस्टल होटल सम्राट होटल आफ्टर अच्छा दर्दोए मार्केट ओपन टाइम उत्थे जावांगे तुहानू दिखावांगे लोकल लोग किदां शॉपिंग करदे आ की इत्थे विकदा की रेट आ सारियां चीज़ां दा, क्योंकि मैं हरेक कंट्री जिथे भी जाना उत्थे दी तुहानू मैं मेन तां दिखाउणा ही हुंदा ना कि जिदां सुपर मार्केट दे विच की प्राइस आ। जिमी जिमी खरोशो शाहरुख खान मिथुन चक्रवर्ती भाई बंदा ग्रेट आ सारे थोड़ा तो मेरी बहुत वीडियो देख लिया होना यह चीज़ कि भाई जिमी जिमी गाना बहुत फेमस आ ये जड़िया CIS कंट्रीज है ना जिन्या भी सोवियत टाइम या रशिया हो गया किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान जिते भी जाओ रशिया किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान अर्मीनिया अजरबैजान जिमी 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 बहुत फेमस गाना। सो वधिया यार बंदे रौनक ही होंगे इतने कैब टैक्सी वाले भी वधिया नज़ारे नाल आपनों लेके जा रहे भरा नाले सुना रहे गल्लां इंडिया दी क्योंकि फिल्मा फुल्मा इतने काफ़ी फेमस आ। सो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन आ, वो कहता कि शाहरुख खान का कहता मतलब अति कम आ। मैं भी कह रहा कि रशियन बन जाना, मैं वो ज़्यादा ही रशियन से गल्ला कर लग पाया, कैमरा मैं बंद करता, वो बाद च पता नहीं मेरे तो कदी कदी हाँ भरा गया, मेरे तो हाँ भरा लवे तो बाद च मैं कुछ लैने दे देने पै जाने। खैर इदा कुछ नहीं होया, वो मैं ला गया इतने। सो चलते हैं हम होस्ट के अंदर। अच्छा मैं मेरा एक सबसक्राइबर मिल गया भाई, अपना सिगे पाकिस्तान तो सी, कहते मैं थोड़ी यूक्रेन की सीरीज़ देखी है। सो बहुत वधिया लगता, यूक्रेन सीरीज़ करके मैं काफ़ी मिल जाते हैं लोग है ना, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली यूक्रेन बारे सर्च किया होंगे, जो सर्च करते हो तो मेरी वीडियो टॉप पर आनी है कि किदा इमीग्रेशन क्लीयर किया मैं किदा गया। भाजी मैंने टैक्सी वाले ने दसिया मैं सवेरे ध्यान दिता, तुम देखा होना स्टेयरिंग इधरले पासे। सो किर्गिस्तान के दोनों पासे स्टेयरिंग वाली गड्डिया चलदियाँ, वैसे जो राइट वाला फॉलो ही करते हैं, अमेरिका वाला रूल ही फॉलो करते हैं, मतलब रशिया वाला जो सारे करते यूके वाला आस्ट्रेलिया तो इंडिया वाला नहीं करते, बट इतने बई इधरले पासे स्टेयरिंग वाले मैं भी ध्यान नहीं दिता, बट मैंने हुण रियलाइज़ होया कि हाँ यार वो इधर सी स्टेयरिंग। सो ये कहें कि हाँ इतने काफ़ी गड्डियाँ है कि जिन्हें स्टेयरिंग इधरले पासे हूँ आनियाँ कितों हो ये बारे पता नहीं यार किहड़ी कंट्री है जिथे इदा स्टेयरिंग इतने आता होगा, पर यार चलाउंदे किदा होणगे। खैर हुण आपां जा रहे हैं ओश बाज़ार। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। आप पहुँच गए हैं ओश बाज़ार के, जिहड़ा मेरे पिछे आ ये हैगा इतने सारे मोबाइलों दी शॉप्स ने। सो आ जिहड़ा पिछे इतने कपड़े ने, इतने खाण पीन का समान है, तो इधर सारा सोवीनियर वगैरह तो होर सब चीज़ा ने। सो चलते हैं, पहला मैं सोच रहा पहला खाण पीन वाला जिधर समान आ उधर नूं वध लैने। इंडिया टाइप का मैंने थोड़ा थोड़ा लग रहा, क्योंकि देखो अपने भी इदा होंगे भीड़ भड़का, इतने पॉपुलेशन घट आ, सो जे अपने इदा का हो बड़ी ही ज़्यादा भीड़ हो,
हालांकि पीड़े से फिर भी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत नेड़े तेड़े के पिंड के लोग तो सारे जड़े आ इतने आए खरीद खरूद घूमते हुए फिर उधरों नहीं आवे अपना लगे हुई प्राइस प्रूइस पता नहीं की है इन्होंने लिखे नहीं होंगे 350 सौन का जोड़ा मर्जी जोड़ा चको भाई 350 जो मर्जी लो पर्स इन्हे 500 जिन्हें मर्जी चको 500 150 दिन तीन वाला इधर एनक दुकाना बहुत प्यारी मार्केट है भाई मैं कुछ बाई की मार्केट की फीलिंग आ रही है डेढ़ सौ दे दो एक पात एक धो वो काम हो गया अच्छा थोड़ा कैमरा अगे वाला करके दिखाना ता जो फिर जो ज्यादा समझा देखो 50 रुपए का जिन्हें मर्जी 50 मतलब इंडिया के 40 हो गए ये $1 के 8300 मिलते हैं ये चीज़ याद रखो व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्केट इन्होंने देखो सारे बैग बूग वगैरह लगे हुए हैं ये प्राइस बोल रहे हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग प्राइस पूरी लैन वाला जो मर्जी लै लो वैसे उन्हें पूछा छोटा कि वड्डा छोटे का प्राइस उन्हें लिख के दसता छोटा है 450 तो वड्डा 800 का जो मर्जी लै लो एडे सोहने सोहने लगे 150-150 रुपए के हाँ सारे 170-170 रुपए दी बाल्टियां मतलब 70 सोम इंडिया के किन्ने हो गए 50 तो 55 रुपए आ सैंडल लगे हुए सारे 150-150 के देखो किन्ने प्यारे लग रहे हैं बहुत वड्डी है भाई ये मार्केट अंदर वाले जा सकते हैं बट पता की है कि सेम चीज़ आ थोड़े सामने जिदा थोड़ा देख रही हैं मैं नेल कटर लेना यार मैं ले लेंगे चलना कहें रिकॉर्ड नहीं कर सकते तुसी बट मैं उन्होंने तो आ नेल कटर ले लिया नेल कटर आपको मिल गया 100 सोम का लाया उन्हें मैं कट करने कहा भी नहीं मतलब इंडिया के 80 रुपए का हो गया तो कैमरे से देख रहा भाई मेरे तो भी अगे आके खाएगा कैमरे में आई हैव दिस वन सिम बट आई वॉन्ट टू रिचार्ज माई रिचार्ज इज फिनिश यू कैन यू डू रिचार्ज फॉर मी Yes. Banana? Yes. Banana? Yeah, you also Banana. Shoot video. Video? Good. Video. Balance? Balance? No. Balance? No? No. Yes, okay, Sima. How much price? Thank you very much. Same price. No. For how many days? Okay, this is same. But I want balance. Banana? No, balance? No. From where I can got balance? Yet. Months. Yes, no, balance. Where from where? Balance. No, talk to me. Oh, bro, better. Хорошо. स्वाद ले रहे हो जिंदगी दे. कहना पहले. Thank you. मेरे तो मैं कुछ और बोलूँगा फिर मैं वीडियो दे चुका हूँ चीज पा नहीं सकता. जिधर वो स्वाद ले रहा स्वाद मैंने भी चंगी तरह लेने होंगे. Hello. वो हस रहे पुलिस वाले भाई बंदे घेंट लगते हैं मैंने पता नहीं वो रोक रहा मैं अगों हैलो ही कहती वो भी बेचारा कच्चा जहा हो गया कहना पतंदर समझ ही नहीं आई छोटे छोटे दुकाना मैंने देख के थोड़ी थोड़ी यूक्रेन वाली की याद आ रही है जिदा यूक्रेन दे देखी सी एक मार्केट सी उत्थे भी सारा कुछ इदा लग्या होया खैर है तो यह भी उन्होंने भैन भरा जी बट इतने जरा लग्या खाण पीण दी सारिया चीज़ा है अच्छा जो मैंने सामने चीज़ नज़र आ रही है ना हाँ हाँ भाई वाह कमाल साड़ी इंडिया या पंजाब स्टाइल की कह लो कपड़े धोने वाली साबण आ देखो देख रही है प्राइस है 2500 सो 2500 की टिक्की है मतलब किन्ने की होगी 18 रुपए की 18 या 20 रुपए की 20 होगी है ना ठीक है यार माड़ी नहीं है वड्डी टिक्की है बस कोल का प्राइस अद्धा किलो ले लिए आंटी 100 वो कह रही है 90 रुपए के मिलेंगे
Pakistan? Near India. Ah, India. Yeah. Price? Mega price is 80. 80. ठीक है 60-70 रुपए दे चार में लगे आड़ू अरे आप खा लेंगे इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं पीछे प्राइस भी की है ना देखे नहीं अच्छा 200-300 प्राइस यार उदा दे ही है जिदा इंडिया च नहीं है जिवें बादाम इत्थे 750 लिखा होया उन्हें चलो दे आ देखो इंडियन मसाले सारे आ चिल्ली चिल्ली पाउडर सारे फोटो दादा फोटो नो नो प्रॉब्लम No problem. No problem. Yes, problem, da. Da. Ajit, so happy. One second. Harasho. Under auntie ne sabjiyan di lai hai. Aise. School ka price? Price school ka? Aise. School kisko hai da? Haan. Ajit, takan 50 som. 50 som? Da. 100 gram. School ka gram? Gram. Gram? Da. Gram school ka nada? 1 kilo. 1 kilo what is that? 1 kilo what is the sum? 500 rupees per kilo mircha. This 400 per kilo. Ate. Kilo da da. How much is it? 400. This 400 rupees per kilo diya. Ate this. Haldi. Haldi. Haldi daragi hai. Daragi hai ni. Haldi kilo 1 kilo min sum. 1000 rupees per kilo haldi hai. Chhoy. Video zilen. Photo zilen. Photo photo. सो आंटी ने फोटो ली है भाई अपने नाल टॉफियां टॉफियां लगी हुई हैं भाई नज़ारेदार आंटी थोड़ी जी मेरे वाले घूर घूर के देख रही है ता करके फिर मैं जी ना वीडियो नहीं यदि बनाऊंगा पर सही है यार हम मैं घूम के उधर दे आऊँगा रोटियां दे प्राइस पूछूंगा 100% 10-10-15-15 सोम नहीं होनी याद हो कि नहीं वाओ अच्छा स्कूल का 250 फुल मिक्स 250 ग्राम वन के जी 250 रुपए दिया किलो टॉफियाँ बहुत अगर कम बैक आफ्टर वीडियो अगर खरश हो सस्ती बात यार मैं लेके जाऊँगा ये 250 रुपए दिया किलो वही जिन्हें मर्जी चको सर जरूर लेके आवेंगे आंटी तो मैं हूँ आंटी ने वादा कर लिया और के तो नहीं आप खरीदेंगे सो घूम फिर के इतने आवेंगे पास्ता हैगा 120-130 इदा का बहुत सस्ते सस्ते है आ तो सेम आ गया वही आज इधर देख के नहीं मखाने पे हुए 350 रुपए दे किलो आ पे हुए स्कूल का 200 मतलब 200 का मतलब 12-13 रुपए का हो गया बहुत बढ़िया भाई सस्ता बहुत है कम और इन्ना कुछ है 200-300 रुपए दिए किलो 250 रुपए दिए किलो हेलो हेलो साढ़े सात सौ साढ़े पाँच सौ बाय बाय हेलो हाय हेलो वेयर डू यू कम फ्रॉम वेयर डू यू कम फ्रॉम आई एम फ्रॉम इंडिया इंडिया यस स्पीक इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश लिटिल ओह लिटिल निबोल्शो निबोल्शो इंग्लिश की हाँ फोटो माय फ्रेंड शोर खराशो वन फोटो वो स्पष्टीबा बाय बाय भाई फोटो बहुत खींच रहे लोग अपने नाल नेरी ठाई हुई आंटी ने टाइमर ला के रखा है 10 सेकंड का प्रीवियस रास्ता बच्चे प्रीवियस आ देखो सारे प्राइस जा किन्ने 630-480 ये जड़ियाँ दाखा दुखा नहीं काले अंगूर चिट्टे अंगूर जिदा भी होंगे समझ आने बादाम पे हुए सारे प्राइस बहुत घट है यार 900 रुपये किलो अखरोट जो कड़िया हुई गिर 900 सोम आ इंडिया का 750-800 सस्तगा सो ये दादी जी मैं सद रहे थे कहते लैके जाओ बई मैं क्या जरूर दादी जी मैं थोड़ा वीडियो से लै लिया हूँ मैं ज़्यादा लै नहीं सकता क्योंकि मेरा बैग भी बहुत जरा भारा हो जाना रस्ते बड़े रंग आए बई वो गुलाबी रंग के मखाने पे हुए पीले हरे कहने अच्छा वो पे जो बड़ी घेंट लग रही हैं थैंक यू स्पष्टगा हैलो तू हैलो माई फ्रेंड हैलो थैंक यू स्पष्टगा भाई मैंने कह रहे थे यार खा लो मैं क्या कोई चक्कर नहीं यार कोई इशू वाली गल नहीं है उस्ताद तू बेच रहा मैं तेरे तो कुछ लै नहीं रहा सो मैनू इदा चंगा नहीं लगता कि यार मैं इदा ही खा लूँगा पखा बहुत घेंट इतने ये बैटरी से चलता इदा ला दो क्लिप तो पूरी हवा देना इन्हों का खरशो ये सही इतों मिलता है मेरा इरादा से लैंड का सारा अड्ड हो जाता बैटरी से चलता रहता और तुम लैपटॉप न ला दो ना जिदा फोन भी अटैच कर दो चल जाता सारा ड्राई फ्रूट आ लद्या पाया काम आओ आ देखो बीज की दुकान आ गई इतने सारे बीज आ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ ਚੈਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਆ ਬਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆੜੂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆੜੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨਾਲ 50 ਸੋਮ ਦੀ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾ ਅੱਧੇ ਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਲੇ ਦਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੌਲ 75 ਸੋਮ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਾਸਤਾ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਆਹ 30-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਮਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਣ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ 60.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਐਮ ਫਾਈਨ ਜੀ ਸਹੀ ਸੋ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਲਓ 100 ਸੋਮ ਦੀ 45 ਸੋਮ ਦੇ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ 50-50 ਸੋਮ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਬਰਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇੰਨੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇੰਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲਏ ਤਾਕਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੀੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਹੁਣ ਅੱਜ 32 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਸੀ ਸੋ ਆਹ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ 10-15 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਕੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੈਸ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤੁੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਸੋ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਵਾਟਸ ਯੂਅਰ ਨੇਮ ਹੈ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਹੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਚਲੋ ਦਰਦ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ